नमस्कार फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल रिडिकस गाइड में आपको बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग पीएलसी पैनल में जो बिल्ड मटेरियल यूज़ करते हैं, मतलब जो भी मटेरियल हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये हमारा पीएलसी पैनल से रिलेटेड पहला वीडियो है। इससे पहले मैंने कोई भी पीएलसी पैनल से रिलेटेड वीडियो नहीं बनाया है। तो आज की इस वीडियो में वो सारे इक्विपमेंट जो पीएलसी पैनल में यूज़ करते हैं वो हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पीएलसी 12 स्लॉट इथरनेट ब्लैक प्लेन। ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एक प्रकार का रेक होता है और इसमें पीएलसी पैनल से रिलेटेड जो अलग अलग इक्विपमेंट है उस इक्विपमेंट को हम लोग इसमें रेस्ट करते हैं, इसमें बिठाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका एमसीबी होता है, एमसीएसबी होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, नट बोल्ट से टाइट कर देते हैं। बट पीएलसी पैनल से रिलेटेड जो बहुत सारे यहाँ पे इक्विपमेंट जो लिखे हैं उसको आप लोग डायरेक्ट वैसा नहीं बिठाते। ठीक है, उसको बिठाने के लिए अलग से इसका रेक आता है या स्लॉट आता है, तो उस रेक में हम लोग बिठाते हैं। तो वो रेक मैं इमेज में आप लोग दिखा दूंगा। ठीक है, इमेज में और लिख दे दूंगा कि ये रेक है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सीपीयू, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। तो ये किसी भी पीएलसी पैनल का मेन पार्ट होता है। ठीक है, सीपीयू जो रहता है उसी में पूरे डाटा है प्रोग्रामिंग किया जाता है। ठीक है, और उसी में डाटा पूरा सेव रहता है। इसके बाद में एसी पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सो एसी पावर सप्लाई में आपका एक से दो हो सकता है, वो आपको पीएलसी पैनल कितना बड़ा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, या रेक के ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना रेक लेंगे उतना ही आपको एसी पावर सप्लाई का जो इक्विपमेंट है वो लेना पड़ेगा। ठीक है, इसकी जो वोल्टेज है आपका 100 से आपको 230 वोल्ट एसी रहता है। नेक्स्ट आपको डीसी पावर सप्लाई की बात करते हैं। तो डीसी पावर सप्लाई में आपके क्या करते हैं, एसएमपीएस यूज़ करते हैं। तो एसएमपीएस भी हमेशा पीएलसी पैनल चाहे छोटा हो बड़ा हो वहाँ पे कम से कम दो यूज़ करते हैं, कि मान लीजिए एक एसएमपीएस में प्रॉब्लम आ जाए तो दूसरा एसएमपीएस आपका स्टार्ट हो। ठीक है, सिर्फ एसएमपीएस की वजह से आपका पता चले कि पूरा पीएलसी बंद हो जाएगा तो ये ब्रेकडाउन नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, दो एसएमपीएस लेते हैं, दोनों एसएमपीएस का कनेक्शन किसी एक पर्टिकुलर पार्ट से करते हैं और उसमें इंटरचेंज करके रहता है। ठीक है, एक ख़राब होता है दूसरा ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। पाँचवें नंबर का जो मटेरियल है जिसको डिजिटल इनपुट मॉड्यूल कहते हैं, तो ये जो रहता है आपका चैनल में आता है, 16 चैनल 32 चैनल ऐसा करके आता है और इसकी वोल्टेज की अगर बात करेंगे तो 24 वोल्ट हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके नंबर की बात करें तो वो पीएलसी पैनल कितना बड़ा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एक इंडस्ट्री में कितने मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट है वो किससे पता चलेगा, आपके कितने इक्विपमेंट को उससे चलाना है, कितने इक्विपमेंट को आपको कंप्यूटर से देखना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका नंबर ऑफ मॉड्यूल। ठीक है, तो हम लोग एक ही मॉड्यूल की बात करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम देखेंगे। फिर आपका डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल भी आता है, वो भी 16 चैनल या 32 चैनल का आता है और इसका जो वोल्टेज है वो भी आपको 24 वोल्ट डीसी रहता है। ठीक है, इक्विपमेंट को कैसे बिठाते हैं वो भी मैं थोड़ा सा आप लोग बता दूँ। ये देखिए, ये रेक है जो फर्स्ट में मैंने बताया था ना कि आपको पीएलसी 12 स्लॉट इथरनेट ब्लैक पेन, तो यही जो है वो स्लॉट है, वो ये जिसको रेक कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो रेक बिठाया हुआ है। ठीक है, तो दो रेक है तो दो एसी पावर सप्लाई लग जाएगा, ये दो एसी पावर सप्लाई लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एसी पावर सप्लाई आएगा, देन आपका सीपीयू आएगा जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, उसके बाद में हम लोग डीआई यूज़ करेंगे, उसके बाद में डीओ यूज़ करेंगे। ठीक है, जब ये रेक कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट रेक में आएंगे और इसमें फिर हम लोग एसी पावर सप्लाई यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपका क्या आ रहा है, नेक्स्ट जो मटेरियल आ रहा है हमारा एनालॉग इनपुट मॉड्यूल यूज़ हो रहा है। तो एनालॉग इनपुट मॉड्यूल किस में डालेंगे हम लोग, सेकंड रेक में डालेंगे। फिर आपका एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल की बात कर रहे हैं तो उसको हम लोग किस में डालेंगे, आपका एनालॉग आउटपुट यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको समझ में आ रहा है कि जितना हमारा रेक होगा हमको एसी पावर सप्लाई का रिक्वायरमेंट होगा। मान लीजिए एक ही रेक में सारे मटेरियल आ जाते हैं तो एसी पावर सप्लाई हमको एक ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, रिले बोर्ड देख लेते हैं। तो रिले बोर्ड आप देखे होंगे, 8 चैनल का जो रिले बोर्ड आता है वो भी 24 वोल्ट डीसी हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ रिले बोर्ड भी किसी को डिपेंड करता है, वो डीआई और डीओ जो आपने यूज़ किए हैं, कितने डीआई यूज़ किए, कितने डीओ यूज़ किए हैं, उसके बाद आपका रिले बोर्ड यूज़ होगा। ठीक है, वो जब मैं पैनल दिखाऊंगा आप लोगों को, पैनल के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा तो वहाँ पे पूरा डिटेल से हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, 10वें नंबर की बात करेंगे तो केबल यूज़ करेंगे। केबल जो रहता है वो अलग अलग कलर कोड का रहता है, आपको डिजिटल इनपुट के लिए अलग यूज़ करेंगे, डिजिटल आउटपुट के लिए अलग कलर का कोड यूज़ करेंगे। ठीक है, एनालॉग इनपुट के लिए अलग रहेगा, एनालॉग आउटपुट के लिए अलग रहेगा। ठीक है, इसके अलावा एसी पावर डीसी पावर के लिए आपको अलग अलग केबल और साइज़ यूज़ करना रहता है। ठीक है, तो 0.75 का एमएम का जो केबल हम लोग यूज़ करते हैं वो डिजिटल इनपुट है, डिजिटल आउटपुट है, एनालॉग इनपुट है, एनालॉग आउटपुट है, उसके लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, 1 square mm का जो केबल है ब्लैक एंड रेड कलर का यूज़ करते हैं, जो कि डीसी जो 24 वोल्ट उसके लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, वो कलर आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वही कलर यूज़ करना है। ठीक है, बट मैंने जो पीएलसी पैनल यूज़ किया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है,
2.5 square mm की अगर बात करते हैं तो ये जो केबल है आपको मेन जो सप्लाई आएगा 220 वोल्ट का उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। देन आपका टीवी टर्मिनल ब्लॉक, टीवी यानी कि टर्मिनल ब्लॉक ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट कितने लिए हैं या आपके कितने रिले बोर्ड लिए हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद आपको फ्यूज टीवी है, फ्यूज टीवी किसके लिए जरूरत पड़ता है, एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट है उसके लिए आपको फ्यूज टीवी की जरूरत पड़ता है, इसमें हम लोग नॉर्मल टीवी यूज़ नहीं करते हैं। इसके बाद आपको कंट्रोल एमसीबी की जरूरत पड़ेगा, तो कंट्रोल एमसीबी कितना यूज़ करना पड़ेगा वो भी डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले आपका एसी सप्लाई, मेन एसी सप्लाई के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। सपोज मान के चलते हैं 32 एम्पीयर का डीपी आपने यूज़ किया, ठीक है। इसके बाद आपका डीसी सप्लाई के लिए यूज़ करोगे, ठीक है, 16 एम्पीयर का डीपी यूज़ करोगे, ठीक है। इसके बाद आपका लाइट है, फ़ैन है ना, आपको पीएलसी पैनल में लाइट फैन भी तो रहेगा, तो उसके लिए अलग से आपको डीपीएमसीबी और यूज़ करना पड़ेगा। एसी पावर रहेगा उसमें जो कि 10 एम्पीयर का हो सकता है ना, वो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से कम मिनिमम आपको 3 एमसीबी डीपीएमसीबी आपको ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे इक्विपमेंट हैं और ये सारे इक्विपमेंट के बारे में एक एक करके मैं सारी वीडियो में आप लोग बता दूंगा। तो आज मोटा मोटी आप लोग देख लिए हैं कि एक पीएलसी पैनल में कौन कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं और कैसा वो दिखता है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डिजिटल इनपुट जो मॉड्यूल रहता है उसका पीएलसी पैनल में वायरिंग कैसे करते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है कि डिजिटल इनपुट का कैसा रहेगा, वायरिंग कैसा रहेगा, डिजिटल इनपुट का जो वायरिंग रहेगा वो आपका रिले बोर्ड में जाएगा, ठीक है, और रिले बोर्ड से फिर वो टीवी में जाएगा, तो उसका वायरिंग कैसा होता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल्स गाइड को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरीज होगा, कुछ जानकारी होगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक फॉर वॉचिंग, शुक्रिया।